सचिन के पापा, ओ सचिन के पापा, आज आपका मुंह सुखाए कपड़े की तरह क्यों लटक रहा है? अरे तू जाकर अपना काम करना, यहाँ के सरपंच क्यों बन रही है? लो जी, कोई भी बात करो बिना मतलब सिर पे चढ़ जाते हो। अरे सचिन की मम्मी, तेरा सिर क्या झूला है जिसपे मैं चढ़ूंगा? चलो छोड़ो जी, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। लो चाय पी लो। और सुनो जी, आप बोल रहे थे मदन के लड़के की शादी में जाना है, आप गए नहीं? जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा। मेरा गुलाब जामुन खाने का बहुत दिल कर रहा है, मन में गुदगुदी सी हो रही है। सचिन के पापा, गुलाब जामुन वो होते हैं ना जो गुलाब के फूलों में जामुन डालकर बनाए जाते हैं। अरे ओ बेवकूफ औरत, गुलाब जामुन काले काले गोल गोल रस के भरे रसगुल्ले की तरह गर्मा गर्म होते हैं। अब समझी मैं, शादी में जाएगा, गुलाब जामुन खाएगा, अपना मुंह जलाएगा और कुछ खाने लायक नहीं रहेगा। कितने मेंढक होते हैं ना लोग, राइट? बात तो आपकी ठीक है, पर लोग राइट राइट होते हैं, रेट रेट नहीं। और लोग माइंडेड होते हैं, मंडेड नहीं। आई बात समझ में? और अब मैं चला, ठीक है ना? ठीक है जी, आप लेट हो रहे हो, जाओ अब। भैंस बेच रहे हो, कटड़ा बेच रहे हो, पाड़ा भैंस बेच रहे हो। अरे पाओ इधर आ। हाँ? अरे ओ ताऊ, भैंस लोगे क्या? और क्या, मैं रिश्ता लेऊंगा? अरे ओ ताऊ, तेरे से पैंट तो संभलती नहीं, बहू क्या संभालेगा? और वो खड़ी है भैंस, उसे देख ले। वो भैंस अच्छी है, आप ये बताओ उसका क्या लेंगी? ओ काले सांप की शक्ल वाले, उस भैंस की ओर नजर उठाकर भी मत देखियो, वो मैं मेरी छोटी बहन को दूंगी, वो मेरी फेवरेट भैंस है, फेवरेट। उसके बच्चे दूध पिएंगे। मैडम वो भी भैंस ठीक ठीक है, पर ये बताओ दूध कितना देती है? ठीक ठीक नहीं, एक नंबर की है ये भैंस, इसका नाम है फूलवती। जब ये पानी पीने के लिए जोड़ पे जाती है ना, कम से कम 20 जोटे इसकी वेट में खड़े होते हैं इस पे लाइन मारने के लिए। भैंस तो आपकी वो भी ठीक है, पर मुझे इसकी आंखों में डिफेक्ट लगता है, मुझे लगता है आपने इसकी सैली नहीं बनाई। अरे ताऊ, मेरा पति कभी मेरे कोई नहीं बनाने देता, इसका नंबर कहाँ से आता? वो तो ठीक है, पर आप इसका सही सही रेट बताओ। देखता हूँ, भैंस है मेरी 1.25 लाख की, तू मुझे अच्छा इंसान लगता है, तुझे दूंगी 1 लाख की। 1 लाख की? अरे 1 लाख में मैं 8 भैंसे खरीदूँ ऐसी? ऐसे बता, इसमें क्या खास बात है? खास बात तो बहुत हैं, बताते बताते कई दिन निकल जाएंगे, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। तो बताओ ना। ये भैंस इतनी इंटेलिजेंट है कि दिन में 2 बार फ्रेश होती है, और वो भी तांसले में। तांसले से इतना भी गोबर इधर उधर नहीं करती। और खास बात एक ये है, मेरी परमिशन के बिना ये तो पाद भी नहीं मारती। वाह जी वाह, ऐसी भैंस तो मैंने आज तक ही नहीं देखी। अरे ताऊ, ये आंखों में काजल भी लक्ष्मी का डालती है, और डब शैम्पू से नहाती है, और उसके बाल देखो कितने मुलायम है, चाहे एक एक गिन लो। तो ठीक है जी, ये लो पैसे और गिनो।
अब आप ऐसा करो, मुझे भैंस खुला कर दे दो। ताऊ अपने आप खोल लो, मैं चली। चलो ठीक है जी। अरे ओ सचिन की मम्मी, इधर आ। हाँ? हाँ सचिन के पापा, बोलो। अरे अपनी नखरे वाली भैंस कहाँ गई? फिल्म देखने, बेच दी मैंने। अरे ओ व्यापारी की औलाद, किससे पूछकर बेचा तूने? पूछना किससे था, भैंस खुद बोली मेरे को बेच दो, नहीं तो गोबर कर करके आपके कपड़े खराब कर दूंगी। मैंने बेच दिया। देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। रुक, तुझे मैं सुंदर बनाता हूँ।